नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन चावल। उसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास चावल, और ये देखिए मैंने टूटा हुआ चावल ही लिया है। आप कोई सा भी चावल उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है एक आलू जिसके को मैंने छील के काट लिया था। एक प्याज लिया, उसको भी मैंने काट लिया है। और ये मैंने लिया है एक टमाटर और एक हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया है। ये मैंने लिए 8 से 10 बड़ियाँ, और ये मैंने लिया है छिला हुआ लहसुन। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चूल्हे के पास। ये देखिए हम अपने चूल्हे के पास आ गए, सारा सामान रख लिया है, आग हमने जला दी है। अब हम रखते हैं कढ़ाई को। और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। हमने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा तड़क चुका है। डाल दिया है आलू, और साथ ही हमने डाल दी है सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी को मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब डाल दिया मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं। अब हमने डाल दिया कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्ची को, और साथ ही मैंने डाल दिया है कुटा हुआ लहसुन। अब इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिया था, तो हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है। देखिए हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। ये चावल को मैंने अच्छे से साफ करके 3-4 पानी में से धो लिया है, और अब इसको चला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा चावल बन रहा है। 1 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया है, अब नीचे उतार लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कैसे खिले खिले और अच्छे चावल बने हैं। ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।